If you're new to my channel, press the subscribe button and press the bell icon to never miss any update from my channel. दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था जियो फोन और आप लोगों को दिखाया था जियो फोन में अदर कंपनी की सिम लगा के, तो यहाँ पे कुछ कमेंट भी आ रही हैं मुझे। तो आज मैंने दो फ़ोन लिए हैं साथ में जियो के, जिस पे एक लॉक है और एक अनलॉक है। मतलब एक सिम पे जियो की सिम, एक फ़ोन पे जियो की ही सिम काम कर रही है और अदर सिम नहीं काम कर रही है। तो आज मैं चेक करवा रहा हूँ उस फ़ोन को भी जो लॉक है, और जो अनलॉक हो चुका है उसको भी चेक करवा रहा हूँ। दोनों फ़ोन साथ में, दोनों में इन सिमों को लगा के दिखाऊँगा वो सिम एक फ़ोन में अच्छे से काम कर रही है और दूसरे फ़ोन में लॉक है। साथ कुछ लोगों के समझ में नहीं आ पाया था मेरा पिछला वीडियो, तो इसलिए मैं दो फ़ोन को साथ में रख के वीडियो बना रहा हूँ और दिखाऊंगा दोनों फ़ोनों में उसी सिम को लगा के। एक फ़ोन अभी लॉक है और एक अनलॉक है, जो कि आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने इस फ़ोन पे आइडिया की सिम लगा दी है और दिखेगा यहाँ पे डिस्प्ले पे क्या मैसेज आता है आपके पास। ये देखिए, सिम कार्ड लॉक है, कृपया सुनिश्चित करें कि स्लॉट वन में वैध जियो सिम डाला गया है। अब इसी सिम को मैं दूसरे फ़ोन में लगाता हूँ कि जिसका लॉक ओपन हो चुका है, मैंने ओपन किया है, उस पर लगा के दिखाता हूँ आप लोगों को काम कर रही है कि नहीं कर रही है। कुछ लोगों को लग रहा था ये फर्जी वीडियो था, तो इसलिए मुझे दूसरा वीडियो बनाना पड़ा है दो फ़ोन के साथ। अब देखिए, एयरटेल की सिम लगा रहा हूँ इस पर, अब इस पर क्या मैसेज आता है। तब तक ये चालू हो रहा है, तब तक मैं इस पर लगा के दिखाता हूँ आप लोगों को इस आइडिया सिम को। ध्यान से देखिएगा, ये दूसरे वाले फ़ोन में ये सिम काम नहीं कर रही थी। अब देखते हैं इस वाले जियो फ़ोन में क्या लिख के आता है। दोनों फ़ोन चालू हो रहे हैं, देखते रहिएगा इस वीडियो को। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसा कि आप लोगों से मैंने कहा था कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक और सब्सक्राइब मिलेंगे, उसके बाद मैं अपना एक दूसरा वीडियो अपलोड करूँगा, जिसमें कि मैं आप लोगों को इसका सलूशन बताऊँगा, इस फ़ोन कैसे अनलॉक होगा। तो मेरा वीडियो आने ही वाला है जल्दी, मैं उसको अपलोड करूँगा बना के। थोड़ा दिक्कत हो रही है इसलिए मैंने उसको नहीं बनाया है, थोड़ी कुछ कहीं प्रॉब्लम है थोड़ी सी, जो कि अभी उस पर काम चल रहा है। जल्दी वो वीडियो आप लोगों के सामने आने ही वाला है। तो देखिए, यहाँ पे इस पर एयरटेल की सिम नहीं काम की है, और जियो की सिम लगाता हूँ तो वो इस पर बराबर काम करेगी। और देखिए, उस दूसरे वाले फ़ोन पे मैंने लगाई है आइडिया की सिम, तो देखिए वो उस पर नेटवर्क भी आ चुका है। मैं दिखाता हूँ उसको भी, ये देखिए नेटवर्क भी आ गया है, LTE लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं इस पे आइडिया की सिम निकाल के अब एयरटेल की सिम लगाता हूँ, जो कि दूसरे वाले फ़ोन पे नहीं चल रही थी। देखिए, मैं इस एयरटेल वाली सिम को लगा रहा हूँ और चालू करके दिखाता हूँ ये बराबर काम कर रही कि नहीं कर रही। नहीं, चालू हो रहा फोन, ये देखिए इस पे जियो की सिम काम कर रही है, क्योंकि मैंने एयरटेल और आइडिया लगाई थी तो वो सिम नहीं काम कर रही थी, वो लॉक बता रहा था फोन। और इस पे लगाता हूँ इस एयरटेल आइडिया की सिम को, तो ये बराबर काम कर रही है। देखते रहिएगा इस वीडियो को। देखिए, ऑन हो चुका है, उस पर एयरटेल की सिम अच्छे से काम कर रही है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए।
there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving.